हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं कुछ एयर ड्रॉप से रिलेटेड अपडेट्स थोड़ी कम कर रहा हूं, बट यहां पर स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के सिग्नल्स मैं आपको लाइव प्रोवाइड करने वाला हूँ मंडे से। आज जो है मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कुछ टोकन्स में मैं यहाँ पर होल्ड करने वाला हूँ, इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। मैं अपने फंडिंग के हिसाब से मैं आपको मैनेज करके बताऊंगा मैं कितने डॉलर यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ। आप लोग भी अपने वॉलेट के फंडिंग को जो है कैलकुलेट करके आप लोग यहां पर कर सकते हो। मैं यहां पर कुछ डेटा आप लोगों को बताने वाला हूं। मैंने पूरा एक जो है प्लेलिस्ट बनाकर यहां पे रखी है कि किस तरह आपने डॉलर होल्ड करने हैं, कितने इन्वेस्टमेंट करनी है और कितने मार्केट से आउट होना है प्रॉफिट अर्न करके। ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट किया जो है मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। शॉर्ट सी वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं आपको टोकन बताऊंगा मैं क्यों इस टोकन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और क्या बेनिफिट हो सकता है, इससे रिलेटेड बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग कोई भी चेन यूज कर सकते हो जिसमें ये सारे टोकन लिस्ट हैं। जो टोकन मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये टोकन जो है सारे ओकेस एक्सचेंज में, बाइनेंस में, कुकॉइन एक्सचेंज में और बायबिट एक्सचेंज में सारे टोकन लिस्ट हैं। बट एक टोकन जो है बाइनेंस में लिस्ट नहीं है, टोन। बाकी सब यहाँ पर बाइनेंस में लिस्ट है, बाकी आप लोग परचेज कर सकते हो। इन सब के रीजन भी बताऊंगा मैं ये टोकन क्यों परचेज कर रहा हूँ, क्या रीजन है। और ये कम इन्वेस्टमेंट है बट यहाँ पे बेनिफिट ज्यादा है। मुझे पता है काफ़ी मेंबर्स के पास इतनी ही इन्वेस्टमेंट होगी जितनी मेरे पास है। यहाँ पर मेरे जो है पोर्टफोलियो अगर मैं आपको बताऊँ कैलकुलेट करके, तो मेरे पास यहाँ पर जो है $1000 का पोर्टफोलियो अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे वॉलेट है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो $1000 आप लोगों के पास जितने भी आपके वॉलेट में फंड हैं, $1000, $1500, वो यहाँ पर आप लोगों ने लिख लेने हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पर लिख लोगे उसके हिसाब से आप लोगों ने परसेंटेज को कैलकुलेट करना है और आप लोगों ने जो है 15% आप लोगों ने अपने टोकन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। तो मेरे पास $1000 से ज़्यादा है, बट $1000 का अप्रोक्स बता रहा हूँ कि $150 की यहाँ पर मैं स्पॉट में फंडिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आप लोगों ने भी $150 ही करने हैं। अगर आप लोगों के पास $1000 से ज़्यादा है, $500 हैं, तो आप लोग $70 से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, $70 से स्पॉट ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 150 का भी मैं हाफ कर रहा हूँ यहाँ पर, $50 की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 150 टोटल कर रहा हूँ, बट कैलकुलेट करके बता रहा हूँ किस तरह मैं यहाँ पर मैनेज कर रहा हूँ। मैं अपना फंड यहाँ पर मैनेज कर रहा हूँ। आप लोगों को स्पॉट ट्रेडिंग की नॉलेज है तो आप लोग लाजमी कर लेना। पहला टोकन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इथेरियम में इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूँ। इथेरियम में मैं मार्केट की प्राइस में जो है $5 की प्राइस में परचेज कर रहा हूँ। अभी जो है $3008 का चल रहा है अभी इथेरियम, तो मैं अभी की प्राइस में $5 का बाय कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि आप लोग भी $5 का अभी जो है बाय कर लो मार्केट की प्राइस के हिसाब से। $15 की पर टोकन में इन्वेस्टमेंट करनी है, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये मैंने आपको 7 से 8 टोकन बताए हैं। $5 आप लोगों ने अभी इन्वेस्ट करने हैं मार्केट में, बाकी $10 आपने जो है कब इन्वेस्टमेंट करने हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसी तरीके से आप लोगों ने करना है। यहाँ पे जो है मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से, अगर मार्केट जो है 8 जुलाई को बेहतर नहीं रहती, मार्केट की कंडीशन बैड रहती है, तो फिर इसमें जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जो है, तो यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितनी प्राइस में करूँगा, यहाँ पर मैं 3 डेज का चार्ट ऑन कर लेता हूँ। और 3 डेज के चार्ट के हिसाब से जो है यहाँ से मैं अगर इथेरियम गिर जाता है तो अगेन मैं इन्वेस्टमेंट इसमें करूँगा $10 की, $2900 से लेकर 2000 यहाँ पर $600 के बीच में। तो मैं यहाँ पर टाइप भी कर देता हूँ कि $2900 से अगर जो है इथेरियम नीचे जाएगा तो यहाँ पर जो है मैं इसमें परचेज कर लूँगा $2900 और $2600। इसकी रेंज के बीच में अगर जो है इथेरियम अगेन नीचे आएगा तो $10 के मैं अगेन बाय कर लूँगा। टोटल $15 की मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अगर $5 की मैंने इन्वेस्टमेंट की है तो यहाँ पर इथेरियम अगर जो है $3000 या $3500 से अबव जाते हैं, मुझे जो है $1.5 या $2 का प्रॉफिट होगा, मैं मार्केट से यहाँ पर आउट हो जाऊँगा। थोड़ा बेनिफिट बट परफेक्ट बेनिफिट, यहाँ से मैं बाहर आ जाऊँगा। सेकंड टोकन के बारे में मैं आपको बताऊँ, सेकंड टोकन जो है यहाँ पर $5 का मैटिक में परचेज कर रहा हूँ। मैटिक में क्यों परचेज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैटिक की मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। जो भी टोकन मैं बाय कर रहा हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए शेयर करूँगा ताकि आपको पता चले मैं क्यों बाय कर रहा हूँ और यहाँ पर क्या रीज़न है, तो ताकि आप लोगों को भी बाय करने में प्रॉब्लम ना हो। क्रिप्टो करेंसी है, कोई भी टोकन अप एंड डाउन हो सकता है। आप लोग रिस्क लेना है तो इतना रिस्क लो कि आपने, जैसे मैंने 15% वॉलेट का रिस्क लिया है, बाकी 85 जो है मैंने अपने फंडिंग के लिए रखे हुए हैं। कभी मुझे जो है नीड पड़ जाएगी मैं डॉलर निकाल कर अपने यूज़ कर सकता हूँ,
कोई चीज़ अगर मुझे ख़रीदनी हो, बाय करनी हो, तो उस उन डॉलर से मैं ख़रीद सकता हूँ। जैसे कि मुझे मंथली नीड पड़ती है डॉलर्स की, तो मैं अपने खर्चों के लिए उनको रखे हुए 15 डॉलर का मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। 5 डॉलर का अगेन मैं 0.4830 का मैटिक यहाँ से परचेज कर लूँगा। 5 डॉलर का, 5 डॉलर की प्राइस में अभी मार्केट के हिसाब से बाय कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जब नीचे गिरेगी दोबारा मेरे 10 डॉलर डबल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। जब मार्केट फिर दोबारा रिकवर होगी, ऊपर आएगी, तो जो मैंने 10 डॉलर लगाए हैं, 5 डॉलर लगाए हैं, जो 10 डॉलर से अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मेरे 5 डॉलर भी रिकवर हो जाएंगे। 15 डॉलर जब यहाँ पर मेरा बेनिफिट अबव होगा, दोनों जो मैंने ट्रेड लगाई है दोनों ट्रेड से बेनिफिट अबव होगा, तो मेरे को दोनों जो है ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा और यहाँ पे डबल प्रॉफिट होगा। आपने कभी भी 15 डॉलर एक ही टाइम इन्वेस्ट नहीं करने होते, आपने थोड़े मार्केट की सिचुएशन भी देखनी होती है, क्योंकि क्रिप्टो कभी गिर भी सकता है, कभी ऊपर भी जा सकता है। तो इसलिए लो, आप लोग प्राइस में पहले बाई किया करो, उसके बाद नीचे जो है सेकंड पोजीशन भी यहाँ पर इंटर कर लिया करो। तो अभी मैं जो है मैटिक 5 डॉलर का बाई कर रहा हूँ 0.4830 की प्राइस में। अगर मैटिक जो है यहाँ पर 0.45 से लेके 0.40 की प्राइस में आएगा, तो मैं अगेन जो है 10 डॉलर का बाई कर लूंगा। तो डबल इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको समझाऊंगा ये रिस्क मैनेजमेंट होती है, इस तरह से स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग भी आप लोग थोड़ा रिस्क लेकर करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, लॉस कम होगा। क्रिप्टो में लॉस और प्रॉफिट होता है, बट ये नहीं है कि आपने एक बार लॉस कर लिया तो दोबारा क्रिप्टो में आना ही नहीं है। क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप रिस्क लोगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक प्राइस बताई है 0.45 से लेकर 0. यहाँ पे जो है 40 डॉलर की प्राइस में अगर जो है यहाँ पर टोकन आएगा, तो मैं इसको अगेन जो है 10 डॉलर का बाय कर लूंगा। अभी फिलहाल मैंने 5 डॉलर का बाय किया है। जब मैंने आपको बताया कि मार्केट के हिसाब से 5 डॉलर का बाय करना है, अभी जितने टोकन बताए हैं आप लोगों ने 5 डॉलर के बाय करके रख लेने हैं मार्केट के प्राइस के हिसाब से। बाकी सेकेंड इन्वेस्टमेंट अगर मार्केट जो है अगले वीक भी मार्केट गिर जाती है इस प्राइस की रेंज के हिसाब से मार्केट रहेगी, तो मैं इसे दोबारा बाय कर लूंगा। स्वीप भी मैं यहाँ परचेज कर रहा हूँ 5 डॉलर का, तो आप लोग भी स्वीप परचेज कर लेना। यहाँ पर मैं आपको स्वीप की प्राइस भी बता देता हूँ। सुई की ब्लॉकचेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सुई की प्राइस काफ़ी अभी डाउन है, 1 डॉलर तक इसकी प्राइस गई थी, अभी काफ़ी जो है यहाँ पर मार्केट इसकी गिरी हुई है। इस टाइम जो है मैं 5 डॉलर का बाय कर रहा हूँ, तो 5 डॉलर के अभी मैं बाय कर रहा हूँ। 5 डॉलर के बाय करने के बाद जो है इसको जब मार्केट थोड़ी और इसके नीचे गिरेगी 0.50 से लेकर 0.45 के बीच में अगेन आएगी, मैं 10 डॉलर की दोबारा इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। प्रॉफिट जब होगा मैं आपको बताऊँगा कितने प्रॉफिट में यहाँ पर बाय नहीं करना है। आपकी जो है जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसमें आपको 10% 20% का प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कि आपने 5 डॉलर लगाए हैं, 60 डॉलर का प्रॉफिट हो रहा है, आप आउट हो जाओगे मार्केट। अगर मार्केट यहाँ पे गिर जाती है, मार्केट गिरने के बाद जो है अगेन जो है पंप होगी, तो जितने में मेरी गिरी है 10 डॉलर अगेन इसमें इन्वेस्ट कर लूंगा। तो 10 डॉलर का अगेन जब मार्केट अप जाएगी, 5 डॉलर जो मैंने पहले इन्वेस्ट किए उससे भी मार्केट अप जाएगी, तो 10 डॉलर में मुझे प्रॉफिट होगा, 5 डॉलर की भी ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होगा। रिस्क मैनेजमेंट आगे मैं सिखाऊंगा, आगे मैं पूरी जो है आप लोगों को एक पिक्चर और इमेजेस से समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो है मैं सेकेंड इन्वेस्टमेंट जो है सुई में करूँगा, तो सेकेंड इन्वेस्टमेंट जब मार्केट की लिमिट लगा दूंगा यहाँ पर 0.50 से लेके 0. जो है यहाँ पर 50 के प्राइस से 0.45 की प्राइस में अगर सुई रैंक जो है रैंक करेगा तो मैं इसे बाय कर लूँगा। टॉन जो है ब्लॉकचेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉन में आपको पता है काफ़ी प्रोजेक्ट आ रहे हैं अभी जो है टॉन, फिर कोई बहुत सारे यूजर्स यहाँ पर बाय करेंगे टॉन को। इसमें जो है टोकन का हो सकता है इसका अच्छा पंप हो, क्योंकि टॉन जो है टैप सेप भी आ रहा है, जो है ब्लॉकचेन टैप सेप ने टॉन एक्सेप्ट की हुई है, हैमस्टर ने भी टॉन एक्सेप्ट की हुई है, आगे मेमफाई यस कॉइन ने भी जो है एक्सेप्ट कर लेनी है, मेमफाई ने भी आगे टोन ही एक्सेप्ट करनी है। इसी तरह जो है यहाँ पर टोन की ब्लॉकचेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं आपको कहूँगा कि टोन आप लोगों ने लाजमी यहाँ परचेज कर लेने। तो ये जितने भी टोकन मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं परचेज कर चुका हूँ, और यहाँ पर जो है टोन की प्राइस काफ़ी बेहतर है, तो टोन अभी मैं 7.5 डॉलर की प्राइस में बाय कर रहा हूँ, 5 डॉलर की अभी मार्केट प्राइस में। उसके बाद जो है टोन यहाँ पर इसकी मार्केट अगर गिरेगी, जैसे कि टोन की मार्केट 6 डॉलर या 5.5 डॉलर के बीच में आएगी, तो मैं इसे अगेन 10 डॉलर का बाय कर लूँगा। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पीड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो 5.5 डॉलर की प्राइस में आएगा तो यहाँ पर मैं इसे बाय कर लूँगा। इस तरह जो है सारे मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ, तो इस तरह आप लोगों ने कर लेना। ये चार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा,
आपने पहले जो है $5 के अभी जितने भी टोकन मैंने आपको बताए हैं यूनी इंजेक्टिव आईसीपी या ये प्रोजेक्ट काफी स्ट्रांग है। तो आप लोग इंजेक्टिव की प्राइस भी लास्ट टाइम जो है $35 तक गई थी, अभी मार्केट थोड़ी सी डम है, फिर दोबारा इसने जो है अच्छी प्राइस में आने, तो आप लोग अभी मार्केट के हिसाब से जो है इन सब टोकन को बाय कर लो। तो जितने टोकन मैंने आपको अभी बताए हैं वो आप लोग यहाँ पर बाय कर लेना $5 की प्राइस में। जब इसके जो है मार्केट और मजीद नीचे गिरेगी तो मैं आप लोगों ने $10 की $5 अभी लगे हैं उससे डबल प्राइस में आपने सेल कर देना। आप लोगों के पास फंडिंग कम है तो आप लोग $2 से भी कर सकते हो, जब मार्केट नीचे गिर जाए तो $4 का बाय कर लेना। इस तरह आप लोग अपने फंडिंग अपने वॉलेट की यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, कैलकुलेटर आपको मिल जाते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी भी वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा पूरी डिटेल में किस तरह आप लोगों ने करना है। अभी सिर्फ आप लोगों ने स्पॉट ट्रेडिंग का पूछा था तो मैंने स्पॉट ट्रेडिंग बताया, दोनों स्पॉट ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों जो है हलाल है, आप सही तरीके से करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप लोग इसमें गैम्बलिंग करोगे और इसमें जो है आपको रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं आता, बस आप अपने इमोशन से या आपको लग रहा है बाय हो रहा है सेल हो रहा है तुक्के लगा रहे, तो फिर उस तरफ जो है फिर तो हराम तरीके है, हराम में आ जाती है। तो आप लोग एक तरीके से नॉलेज से आप लोग करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो इंजेक्टिव भी आप लोग यहाँ पर बाय कर लेना $5 के, आईसीबी टीआर भी अभी मार्केट के हिसाब से $5 के सारे टोकन बाय कर लेना जितने मैंने आपको भी बताया। बाद में जो है इसकी मैं यहाँ पर मैं आपको प्राइस लिमिट ऐड करके बता दूंगा, उस प्राइस के हिसाब से जो है आप लोगों ने अपने टोकन जब मार्केट गिर जाए तो आप लोग ने बाय कर लेना। मार्केट नहीं गिर रही, आप लोग प्रॉफिट में हो, 10% 5% प्रॉफिट में हो, 15% प्रॉफिट में हो, आपने जो $5 के इन्वेस्टमेंट की है उसमें अगर आप लोग 10% में प्रॉफिट में हो, 15% के प्रॉफिट में हो, आप लोग अपना प्रॉफिट बुक करो और मार्केट से आउट हो जाओ। बाद में फिर आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट में आपको फिर फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ लेकर जाऊंगा जहां पर हम लोग डेली प्रॉफिट अर्न करेंगे। नेक्स्ट मंथ में ये जो जितने भी टोकन आपको बताए हैं ये पंप हो सकते हैं, थोड़ा बेनिफिट आपको दे सकते हैं। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बस कम वॉलेट आप लोगों ने यूज़ करना है, जितना मैंने यहाँ पर 15% अपने वॉलेट का फंड यूज़ किया। पहले मैं यहाँ पर 5% की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जब मार्केट गिर जाएगी फिर 10% की इन्वेस्टमेंट, 15% टोटल मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट करके आप लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, डायरेक्ट आप लोग $15 यहाँ पर ऐड कर लोगे, मार्केट नीचे गिर जाएगी, 10 दिन तक नीचे रहती है बट ऊपर आएगी, ऊपर आपकी जहाँ पर आपने बाय की है वहाँ तक मार्केट आएगी नहीं, तो आप लॉस में ही रहोगे। इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट इसे ही कहते हैं, आपने $5 का यहाँ से बाय किया, मार्केट नीचे गई, 10 का आपने यहाँ से बाय किया, 10 का आपने बाय किया, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, आपने जो 5 ऊपर लगाए थे नीचे आपके $10 हैं, वो आपके स्टेबल होके आपका प्रॉफिट जो है थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, और साथ में आप लोगों के जो ऊपर $5 भी इन्वेस्टमेंट है वो भी आपके रिस्क में नहीं रहेंगे, वो जो आपके $10 से प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पे $5 रिकवर में आ जाएंगे। आप लोग मार्केट से एग्जिट करना चाहो तो एग्जिट भी कर सकते हो, तो आपको इसमें लॉस नहीं होगा। आपने कभी भी अपने डॉलर को लॉस में नहीं लेकर जो है विड्रॉ करना, जब तक आपको प्रॉफिट नहीं होता तब तक आपने रिस्क मैनेजमेंट ऐड करते रहना होता है ताकि आपको बेनिफिट हो। ये शॉर्ट सी वीडियो थी, इसमें ज़्यादा आपको समझ नहीं आई होगी, बस इतना था, मैंने आपको इतनी डिटेल समझा दी है कि आप लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। बाकी ये जो 4 टोकन है इन 4 टोकन का डेटा भी मैं ऐड कर दूंगा, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा वीडियो अपलोड करने के कुछ घंटे बाद, ताकि आप लोग इस चार्ट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर लें। बाकी वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, डिटेल में समझाई है, होप सो आप लोगों को समझ में आई हो। बाकी डिटेल वीडियो शॉर्ट्स लेकर आऊँगा, अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाऊंगा, मैं आपको अकाउंट बनाना P2P सब डिटेल सिखाऊंगा, जैसे बच्चों को सिखाते हैं बिगनर्स को, सेम आप लोग सीख जाओगे, बेनिफिट आप अर्न करोगे, क्योंकि ये अभी राइट टाइम है अच्छा बेनिफिट अर्न करने का। होप सो आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैंने आपको शेयर कर दिए, बट अगर आपको इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।